जितने भरा मेरे भी अलमा साहब उन्हें भी सारिया चीजा की वजात कर गए असा को इतनी पिछे ना चीज छोड़ी कोई नहीं जिस तरह असी करा। मैं यही गल आखसा ये जड़े बच्चे इन्हों को गलती होगी भी असा बच्चे इन्होंने वलदैन हो असा भरा इन्हों मिल जुल गए जितना तावन हो असा इलाके दोक इन्हों तावन करना चाहिए। ये नहीं जरा इन्हों की इज्जत उछाल है जी ये भी असा प्राण असी इलाके के लोग भी ये आप ही कोशिश करके बच्चों ग्राह मुस्तकीम ते आणो। ये नहीं जरा आज मिसाल के तौर पर इन्होंने बच्चों से हो गई है ये गल इलाके के लोग समझो या आप समझो जरा जी असं इज्जत उछाल दें ये असने बच्चे खुदा गुआ है असि इन्हें इज्जत ना। मेरा इलाका बीसी बांडी ढूंढा खास कर रही है ना मेरा इसमें नहायत शरीफ तालीम याफ्ता और हर तरह की खसूसियत वाले लोग रहते हैं जो पूरे पाकिस्तान में काफी सारे शोबों में हर तरह की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं जिनमें डॉक्टर्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह और भी पुलिस में भी हैं फौज में भी हैं शोबा तालीम में भी हैं हर शोबे में जिंदगी के रियादे मेरे वाले लोग खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। खुसूसन इस मेरे की खुशकिस्मती है जिसमें हर खानदान का बंदा इधर आबाद है हर खानदान इधर आबाद है और हर खानदान हमारे नजदीक बहुत इज्जत का हामिल है। हम हर एक को मोहब्बत की नजर से देखते हैं इंशाअल्लाह ताला और देखते रहेंगे। हमारे इलाका रियादा मेरा में जितने भी लोग चाहे मुजफ्फर बानी ढूंढा से आबाद हुए हैं आके या अलाई से आए हैं कोहिस्तान से आए हैं या पाकिस्तान से किसी भी इलाके में तलक रखने वाले लोग इधर आके आबाद हुए हैं अपनी जमीनें ली हैं अपने पैसों से ली हैं अपनी मजदूरी करके टाइम गुजारते हैं वो हमारे लिए नहायत इज्जत के हामिल हैं। मुझे आप लोगों ने चेयरमैन बनाया है ये वोट ये चेयरमैनी ये आप लोगों की इमानत है। मुझे आपने इस काबिल समझा मुझे वोट दिए मेरी सपोर्ट की और मुझे चेयरमैन बना दिया आपने तो अपना हक अदा कर दिया। अब मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने इलाके के लिए क्या करना चाहिए और क्या मैंने आज तक जो किया है वो ठीक था उसमें कोई कमी तो नहीं थी क्या मैं बाहर के इलाके में आपकी इज्जत का बायस बनाऊं? ये मेरे लिए भी सवालिया निशान है और आपने वोट दिए हैं मुझे मुंतखब किया है ये आपके लिए भी सवालिया निशान है। जहां तक मेरे इलाके की बात है मेरे इलाके का हर फर्द हर बच्चा बूढ़ा हर खानदान वाला मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है मैं उसका खादिम हूँ। इलाके की इज्जत में कोई कमी आती है तो वल्ला मैं उसका खुद को जिम्मेदार समझता हूँ। आप मेरी पहचान है मैं आपकी पहचान हूँ मुझ में अगर आप कोई फर्क देखें आज तक या देखा हो ये जिरगा है इसमें ऐसे चो साहब भी हैं हमारे उलेमाए कराम भी हैं और सारे मुअज्ज़ज़ मौजूद हैं इधर हमारे बुजुर्ग हजरात मौजूद हैं। अगर आज तक आफ्ताब सिकंदर किसी तलक का शिकार हुआ हो तो उसको चेयरमैनी का कोई हक नहीं है। आफ्ताब सिकंदर अगर हक की बात नहीं करता तो उसको बिल्कुल भी चेयरमैनी का हक नहीं है। मैं अभी आज इस्तीफा देता हूँ अगर कोई बंदा साबित कर दे। मुझे जुर्म के साथ नफरत है जुर्म करने वाले के साथ नफरत नहीं करता हूँ मैं। ये बात याद रहे किसी इंसान से गलती होती है हमारे उलमाए कराम भी मौजूद है इधर बुजुर्ग भी मौजूद है। एक गुनहगार इंसान खताकार इंसान अगर सच्चे दिल से अपना गुनाह तर्क करता है तो अल्लाह पाक उसको सातों जमीनों आसमानों जितने गुनाह भी हो तो उसको अल्लाह माफ कर देते हैं। रियादा मेरा के बारे में कोई गलत बात बात जाए
ये मुझको बर्दाश्त नहीं होती, ये हमारी इज्जत का मसला है। क्यों को कोई कहे बाहर कि फलां जुर्म में रिया ना मेरा को कोई शामिल है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिया ना मेरा में जो भी रहते हैं उन्हीं में से मैं हूँ, वो मुझसे हैं। लिहाजा आज का जो प्रोग्राम है ये आगाही प्रोग्राम है। मैं किसी को मुजरम नहीं ठहराता, नहीं मैं ठहरा सकता हूँ। स्टेट में थाना मौजूद है, SHO साहब मौजूद है। एक हमारे भाई की चोरी हुई है इंटरचेंज से, आपको भी सबको पता है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आज मैं इस प्रोग्राम के तवसत से सबसे पहले तो SHO साहब और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत तहम्मुल मजाजी के साथ उस चोरी में मुलव्वस अफराद को पकड़ा है और अपनी जिम्मेदारी नहायत ही ईमानदारी से अदा की है। इस पर मैं अपने इलाके के बुजुर्गों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक बात तफ्तीश की है, मैं चेयरमैन बने हुए एक साल हो गया है, हमारे SHO साहब और थाने का अमला भी इधर मौजूद है। मुझे आपने इंतखाब किया है, मुंतखब किया है, और मैं अपनी तकरीरों में हर जगह ये ऐलान करता रहा हूँ कि मैं कभी जालिम का साथ नहीं दूंगा, हर वक्त हर जगह मजलूम का साथी बनूंगा मैं। तो मेरे थाने में इस मामले में SHO साहब को किसी बात पे नहीं टोका, उनको आजाद छोड़ा है। उन्होंने अपने तरीके के साथ तफ्तीश का मरला पूरा किया है। मैंने उनको बिल्कुल नहीं कहा कि इसको छोड़ दे सर। इस दौरान जब कोई वारदात होती है, कोई जुर्म होता है, तो बाज़ औक़ात गलती से शक की बिना पे कोई बेगुनाह इंसान भी आ जाते हैं। इसी तरह एक हमारा भाई मेरा पड़ोसी, पड़ोसी के जो हकूक हैं वो भी उलमा के उलमा भी बताएंगे, आप भी बखूबी जानते हैं कि क्या हकूक हैं। मेरा पड़ोसी मुझे मेरे भाई से भी ज़्यादा अजीज है, उसको भी थाने वाले लेके गए हैं। मैं बिल्कुल भी उसके पीछे नहीं गया, मैंने थाने वालों को भी आज़ाद छोड़ा है कि आप अपनी तरतीब के साथ तफ्तीश का मरहला तय करें। जो चोर है उसको कैफर करदार तक पहुंचाना आपका काम है, हम आपकी सपोर्ट करेंगे इस मामले में, रुकावट नहीं बनेंगे। तो वो मेरा भाई मेरा पड़ोसी खाम खा में इस जुर्म का शिकार हुआ, तफ्तीश में आया, उसको इन्होंने टॉर्चर भी किया, जाहिर है इनका हक बनता है, इनका तरीका कार है, करना भी चाहिए, लेकिन वो बेगुनाह साबित हो गया। अब चोरी भी हमारी हुई है, तफ्तीश में भी हम आए हैं और चोर भी हम ही साबित हुए हैं। माजरत के साथ कहता हूँ, जो नहीं होना चाहिए था। हमारे बच्चे थे, हमने उन पर तवज्जो नहीं दी, वालदैन ने हक अदा नहीं किया, जिसका ये नतीजा निकला जो नॉमिनेट हुए हैं, चाहे जितने परसेंट भी हैं, 100% है, कोई बेगुनाह भी हुआ है, कोई एक दूसरे के साथ दोस्ती की वजह से पकड़ा गया है, जैसे हमारे मीर साहब हैं, जलील साहब, उनके खानदान का आप सब हजरात बखूबी जानते हैं। मैं तो उनको एक वली की तरह उनका खानदान समझता हूँ। उनका बच्चा उसामा, जिसका भी नाम इस वारदात में आया है, हो सकता है वो मुझसे खफा हो, मेरे चाचा हैं, मेरे वालिद की तरह है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनका गिला भी होगा कि चेयरमैन साहब ने हमारी सपोर्ट नहीं की। तो मैंने उनको बोला भी है मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, हमारे बच्चे उसामा ले लें, उसका नाम क्यों आया है, उसमें कोई फर्क है तो उसका नाम आया है ना, उसका नाम नहीं आना चाहिए था, वो तो नातख्वान बच्चा था, वो तो आज तक किसी गलत सोसाइटी में नहीं पाया गया ना देखा गया था, लेकिन वो दोस्तों की वजह से थोड़े टाइम के लिए वो इस तलकों का शिकार होके मुजरम की साफ में आया है। लेकिन
जब इन पे सारी तफ्तीशें सारे कुछ साबित हो गया तो मैंने एक रिक्वेस्ट की थी जनाब SHO साहब के साथ और इधर जिरगा भी बिठाया था कि ये जो चोरी हुई है इसकी रिकवरी करना ये हमारा हक बनता है। दोनों फरीकैन को मैंने इधर बिठाया, अल्हम्दुलिल्लाह जिन पे मान था, हमारे सिद्दीक चाचा पुलिस रिटायर्ड भी हैं और इज्जत के हामिल हैं, अभी साल लगा के भी आए हैं, उन्होंने बोला है चेयरमैन साहब हमारा बच्चा नहीं था लेकिन उसके साथ उसकी दोस्ती थी, हम उसको बराबर का शरीक कहते हैं, हम कहते हैं वो भी गलत है, आप फैसला करें। हमारे जिरगे ने फैसला किया था एक जिसको मनोवान जलील चाचा लोगों ने कबूल किया था, लेकिन माजरत के साथ हमारे अब्दुल हफीज भाई ने बोला कि मैं चेयरमैन साहब ये ताकत नहीं रखता, मैं अपने बच्चे की किन किन जुर्मों की रिकवरी करूंगा, मैं गरीब हूं, मैं बड़ी मुश्किल से टाइम गुजारता हूं, इसको फांसी लगने दें, इसको कानून जो सजा देता है इसको देने दें, मैं इसकी पीछे नहीं जाऊंगा, इसकी सपोर्ट नहीं करूंगा। हमारे थाने ने तो हक अदा कर दिया, हमारे थाने ने पर्चा काट के उनको आगे भेज दिया, लेकिन हमारी अदालत ने ये कहकर उनको बरी कर दिया कि ये बचे, हालांकि उनको उनकी जुर्म की सजा मिलनी चाहिए थी। आज का बुलाने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे दिलों में जो एक दूसरे के लिए खलश बनी हुई है, चाहे ये चोरी वाला मामला है या कोई और मामला है, हम खुदा के लिए एक दूसरे को माफ करना सीखें, एक दूसरे को दिल से माफ करें, एक दूसरे से माफी मांगे, कोई जुर्म हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, उसको कबूल करें, हम मान लें कि हमसे गलती हुई है, हमने एक जगह रहना है, हर वक्त एक दूसरे का सामना करना है, हमारी दुआ जनाजा खुशी गमी एक है। इधर आने का मकसद सिर्फ यही है कि इससे पहले भी मैं मांगल में 6 महीने मेरी पोस्टिंग रही है, अभी दोबारा मेरा 1 महीना होने वाला है, इससे पहले मुझे रियत मेरे से कोई भी शिकायत नहीं आई, ठीक है, इस पूरे इलाके में हर इलाका है मगर खासकर रिये के मेरे से कोई शिकायत मुझे चोरी चकारी का नहीं आया, जो आया बदकिस्मती से आया वो सबके सामने है, मगर उसमें मैं तफसील में ये नहीं जा, मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस केस में किसी भी बेगुनाह को हमने नहीं फंसाया। मेरा एक बेटा है, मैं किसी और के लिए अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मैंने कब्र में भी जाने, मैं किसी के लिए अपना कब्र भी मुश्किल नहीं बनाता हूँ। इसमें इस चोरी में बेतफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर ज्यादातर लोगों को शिकायत थी कि हम बेगुनाह हैं, मगर मैं स्टेज पर आपको हर किस्म तसल्ली देने के लिए तैयार हूँ। ये जो 4 बंदे हैं, जवाद, उसामा, कामरान और कादर, ये 4 इस चोरी में मुलविस हैं। मैंने अपने कब्र में जाने न मैं किसी का परवाह करता हूँ, मैं मर्दान का रहने वाला हूँ, न मैं किसी के साथ दुश्मनी करता हूँ, न मैं दोस्ती करता हूँ, मैं आई हूँ आप लोगों की खिदमत के लिए, अगर आपकी जान और माल की मैं हिफाजत न करूँ तो मुझे रहने का कोई फायदा नहीं, मैं आया हूँ सिर्फ आप लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए, किसी की इज्जत अना बदमाशी ये बातें नहीं है, मैं अपनी तनख्वाह तब हलाल करूंगा कि आप लोगों की हिफाजत करूंगा, मैं अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाना चाहता हूं, ये बात बिल्कुल ज़हन से निकाले कि कोई शख्स के साथ हम ज्यादती या बेगुनाही वाला काम करेंगे, ये बिल्कुल गलत सोच है, जो मैंने 4 नाम बताए ये बिल्कुल इस चोरी में मुलविस थे, मगर बात वो चेयरमैन साहब वाली है, कोई 20% है, कोई 30% है, कोई 40% है, मगर चोरी जब होते हैं तो फिर सब चोर होते हैं। हाँ, इसके अलावा इसमें मैंने 5-6 आदमी उठाए, बेशक मैंने मारे भी होंगे, मैंने उनके साथ सख्ती भी की होंगी, उस पे हो तो उस पे मैं माजरत जरूर करूंगा, आज भी करूंगा, फिर भी करूंगा,
मगर वो जो चार आदमी है उसमें मैं कोई माजरत नहीं करता हूँ, कोई खफे हो या खुश हो वो छोड़ते। इसके अलावा जितनी भी मेरी है कि मेरे से दो बंदे लेकर गयो, उस बिक्री वाले का छोटा सा बच्चा मैं लेकर गयो, उसमें मैंने बगनौतर से दो आदमी उठाए, उन सबके साथ मुझसे ज्यादती हुई है मैं मानता हूँ, मगर मेरे पास सुलेमानी टोपी कोई नहीं है, इसी तरह मैं चोरी के पीछे जाता हूँ। जो गलती हाँ जो ज्यादती मुझसे बेगुनाह से हुई है उन चारों के अलावा मैं सरेआम उनसे माफी मांगूंगा। जहां तक रही आप लोगों की बात, रियाद मेरे में मुझे अभी तक कोई शिकायत चोरी का इसके अलावा या मुंशियात का नहीं आया। मैं इन सबको गुजारिश करता हूँ, मैं भी एक गांव का रहने वाला हूँ, बेशक सरेआम कोई शख्स ना आए मेरा मोबाइल नंबर ले ले, मुझे उसका नाम बता दे, अगर वो ओरिजिनल होगा मैं उस पर कार्रवाई ना करूं तो बताओ यार तू पठान का बच्चा नहीं है, पता नहीं किधर से आएगा। दूसरी बात ये है कि आपका इलाका है, आपके इलाके में कोई मुश्तबे शख्स आता है आप लोग नहीं पूछते हो, मैं आपके इस गांव से उस चोरी के बाद 10 मरतबा इस रोड से गुजरा हूं, मुझसे किसी ने नहीं पूछा तुम कौन हो, क्यों नहीं पूछते हो? अगर आपके इलाके में कोई गैर इलाके शख्स आ जाए आप उसे इतना तो पूछ सकते हो कि मेरे भाई किधर आए हो, किसके साथ काम है, आप लोग ये भी नहीं पूछते हो तो फिर ये काम तो होगा। दूसरी रही है बच्चों की बात, मैं इसका मिसाल सिर्फ इस तरह देता हूँ, उलमा साहिबान ने बड़ी अच्छी बातें की है, मैं उलमा साहिबान से भी दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी आप जुम्मे में या इस तरह खिताब करते हैं माजरत के साथ कि प्लीज इस अवाम को हमसाये का माँ बाप का बहन भाइयों का हुकूक बताएं। जो बातें आप करते हो बहुत अच्छी बातें हैं मगर जो इस मुआशरे के लिए जरूरी है हमें उस पर तवज्जो देना चाहिए। मेरे तनख्वाह है 50,000, मेरे बेटे के पास है मोबाइल 70,000 रुपए का, मेरा हक नहीं कि मैं बेटे से पूछू मोबाइल किधर से है, आया हमने अपने बच्चों से पूछते हैं, हमें ये नहीं पता है कि मेरा बच्चे का 8 बजे का वापसी का टाइम है, ये 9 बज गए हैं, ये बेटे से पूछो तो मैं घंटा किधर थे, नहीं पूछते हो। फिर जब इसी तरह के वाकयात होते हैं तो फिर आप लोग सफेद दाढ़ी आप लोगों की बहुत शर्मिंदा होते हो। इस चोरी में जो मेरे पास लोग आते रहे तो मैं खुद शर्मिंदा होता रहूं क्योंकि मैं सारी उम्र सफेद रोशों का मैं दिल से इज्जत करता हूँ, क्योंकि जब मैं सफेद रोशों का इज्जत करूंगा मेरे बाप का भी होगा। तो बराए मेहरबानी इस मुआशरे में अपने बच्चों का ख्याल करो, उसके दोस्त कौन है, आजकल ये न देखो कि ये छोटा है, वो जो छोटा होता है वो सबसे ज्यादा तेज होता है इस मुआशरे में, तो बराए मेहरबानी ये आप इग्नोर करते हो, छोटे जी खैर है ये बातें ना करो, अपने बच्चों का ख्याल करो, बहुत अच्छे और गैरतमंद लोग हो इज्जतदार लोग हो, तो मामूली मामूली बातों से अपने इलाके की बेइज्जती न बनाए। मैं बेइज्जती से छूं मुझे कोई 2 बजे कॉल करे मैं वो कॉल अटेंड न करूं, मैं आऊं ना मैं पहुंचू ना तो फिर बेशक जो मर्जी मेरे मुंह पे बोलो, और मैं वाहिद वो पुलिस अफसर हूं कि मेरे मुंह पे कोई गिला करे तो मुझे खुशी होती है, इस चो साहब ये काम आप गलत कर रहे हैं तो मुझे खुशी होती है क्योंकि मैं परिश्ता नहीं हूं, मुझसे भी गलतियां होंगे, बकाया हम पुलिस वाले जो कोई भी है मगर आप लोगों की ताउन के बगैर हम कुछ भी नहीं है, आप लोग हमारे साथ ताउन करेंगे, आप लोग हमें रास्ता बताएंगे तो इंशाल्लाह उस पर हम चलेंगे और कामयाब भी होंगे। दूसरी रही बात इस मुआशरे में या इस जो चोरी आप लोगों की हुई थी इसमें आप लोगों की कोई जाती अना बहुत ज्यादा बन गया, चेयरमैन साहब मेरी बात पे खफा ना हो, जाती अना आप लोगों ने बना दिया, काम था सरकारी, चोरी हुई थी पुलिस का काम था उसमें बरामद करना, मगर उस पर भी आप लोगों की कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लेता हूँ, सियासत की है, सियासत मत करो अपने इलाके के लोगों पर, सियासत अपनी जगह करो, जो सियासत करने का काम है वो करो, पुलिस के हद तक जो काम है हाँ हक बनता है, जिस तरह चेयरमैन साहब मेरे पास एक दिन आया है कह रहा ये शख्स बेगुनाह है, मैंने तफ्तीश की बातें किसी को नहीं बताता हूँ मगर इस चेयरमैन साहब को जब मैंने हकीकत बताई है तो उधर से उठ के निकल आया ये बैठे हुए सामने, मैं सिर्फ ये कहता हूँ बराए मेहरबानी मंशियात हवाई फेरिंग चोरी इस पे मैं किसी का नहीं सुनता हूँ, मेरा बाप क्यों ना है मैं नहीं सुनता हूँ, ये मेरा आदत है। मेरा सवाल है सर, बिल्कुल माशाल्लाह हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने माशाल्लाह जो चोर गिरफ्तार किए हैं
इतने थोड़े अर्से में, लेकिन मीडिया ने आपके साथ भरपूर तवन किया, आइंदा भी रहेगा। तो सर हम ये सवाल करते हैं कि इन साहब ने रिकवरी क्या की है बता दें। असल में ये जो प्रोग्राम है उस तफसील में तो अच्छी बात नहीं, मगर चलो आपने सवाल कर दिया तो मैं इतना बता दूं, मैं किसी की इंसल्ट या बेइज्जती नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। मुझे हर किसी का इज्जत अजीज है। इसमें से सिर्फ एक आदमी रह गया था, तीन आदमियों से हमने रिकवरी की है कोई 1,25,000 रुपए। जी बोलो ना, सवाल हर एक आदमी कर सकता है, करो। मुझे पता है कि अभी मेरी शाम 4 बजने वाले हैं, 4 बज गए, 5 बज गए, 5:30। अभी मेरी शाम आप लोगों के साथ है, शाम की जो रात होगी मेरी इंशाल्लाह मगर थाने में होगी, ठीक है। मैं एक 2 साल कर रहा हूँ, ऐसे 2 साल से मुअज्जज है, मैं भी यूनिफॉर्म पहनता हूँ, ये भी यूनिफॉर्म पहनती है, इन्होंने मैं यूनिफॉर्म का बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ, ठीक है। बाजिए के बाद हुई है रिकवरी की, कि तीन आदमियों से रिकवरी हुई है। प्लीज सारे खामोश हो जाओ, प्लीज उसका जवाब मैं देता हूँ। ये मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बातें की है कि मेरा भाई बेगुनाह है, नहीं है, मैं कहता हूँ बेगुनाह नहीं है सर, जो उसका हक है उसको सजाए। एक मिनट तुम बैठो ना, फिर सुनो मेरी बात, सुनो जवाब, अब ले ले जवाब, ले ले जवाब, ले। ये मेरा भाई कहता है कि हमने कोई रिकवरी नहीं दी है, मेरा भाई यही कहता है ना, ठीक है। आप अपने भाई से पूछे, उससे जो मोटरसाइकिल मिले वो रिया के मेरे से ही चोरी हुआ था ना। जी बिल्कुल सही। एक मिनट, मैंने मोटरसाइकिल किससे पकड़ा है? एक मिनट, मोटरसाइकिल मैंने किससे पकड़ा है? आपके घर से पकड़ा है? तो घर में जब चोरी का मोटरसाइकिल किसी के घर से मैं पकड़ूंगा उसको मैं चोर नहीं कहूं? बोलो, आप बोलो ना, बेशक ठीक कहता है। मुझे ये समझाओ कि मैं किसी के घर से चोरी की चीज पकड़ूं उसको मैं चोर ना कहूं? एक मिनट, जहां तक रही कादर की बात, आपको भी पता है कि कादर के पीछे मैं कितना लगा हूं, आपको भी पता है कि उसके घर पे मैंने 2 छापे मारे हैं, वो भाग गया, उन्होंने बीबीए कर दिया है, बीबीए का तारीख भी आ जाएगा। मैंने आपको मेरे भाई पहले दिन से बताया, पहले टाइम से, कि मैं कभी भी किसी के लिए अपना कब्र खराब नहीं करता हूं, ना मैं अपने बच्चों को तबाह करूंगा। देखो मैंने आप लोग मिसाल रख दी है ना, अगर उसमें हमारी पुलिस का, जिससे मैं चोरी का मोटरसाइकिल मुझे मिलता है जो रिये के मेरे उसी गांव से 4 दिन पहले चोरी होता है, फिर भी आप कहते हैं कि वो बेगुनाह है? देखो हम ही आपको यही नहीं कहते, ठीक है, हमारी भी गलती कोताही होगी, मैं यही नहीं कहता कि हम फरिश्ते हैं। आपकी बात खत्म होगी, प्लीज प्लीज मेरे लिए सुनो। तमाम मेरे भाइयों मौजिसीन, हमारा मतलब किसी की बेइज्जती नहीं है, हमारा मतलब किसी की इंसल्ट नहीं है, हमारा मकसद है कि अपने बच्चों की इस्लाह। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, चोरी में जो आपने 4 मुजरिम नामजद किए हैं, और आपसे तोका करते हैं कि बाकी भी जो मकसूद प्लाजा में चोरी हुई है आपके आने से अली खान थे, तो आप उसको भी मुजरिम को पकड़ेंगे, इस बारे में आप कहेंगे? मुझसे पहले कुछ चोरी हुई थी बाजार में 2 दुकानों में, उस पर भी मेरी कोशिश जारी है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी रही तो वो भी इंशाल्लाह आपको बरामद करके दिखाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, रिक्वेस्ट है। जी जी बोलो बोलो।